press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओके सर, पहला मैच शुरू हो चुका है। हाँ, पहला मैच शुरू हो चुका है, पहली विकेट जा चुकी है। और नहीं यार, मतलब मज़ा आ रहा है। मतलब आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम हियर। दिलीप्स डन लाइक अ फैबुलस जॉब ऑन एक्चुअली क्रिएटिंग अ लीग, अ टूर्नामेंट जहाँ पे आप लोग आए हैं। वी वर नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग मीडिया टू इवेंचुअली कम, बिकॉज इतना क्रिकेट हो गया है हमारी कंट्री में। फिलहाल इसी टाइम पे कितना क्रिकेट चल रहा है, देयर इज द मुंबई लीग, देयर इज द सौराष्ट्र लीग, द वर्ल्ड कप मैचेस आर हियर, वी हैव इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टुडे, सो आई एम ग्लैड एवरीवन्स कम। एंड आई थिंक इट्स जस्ट द क्रिकेट फीवर, आई थिंक इट्स जस्ट समथिंग अबाउट क्रिकेट दैट गेट्स ऑल ऑफ अस टुगेदर। करण सर, आपने प्रैक्टिस मैचेस मिस की थी शायद, आपको शोल्डर इंजरी? नहीं नहीं, मैंने खेला यार एक प्रैक्टिस मैच, मैंने रन भी बनाए हैं। फर्स्ट मैच मिस किया मैंने। हाँ ठीक है यार, मतलब आई थिंक जब आप BCL खेलेंगे ना तो क्या क्या आपका उतर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, बट इट्स बेटर। बट आई थिंक होता रहता है यार, आई थिंक वे नॉट ऑल्सो प्लेइंग प्रैक्टिसिंग नॉन स्टॉप जैसे क्रिकेटर्स, जब यू नो आप, इट्स लाइक आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना ज़्यादा बेटर होंगे। तो अब क्योंकि आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हो और आप जाके किसी दिन क्रिकेट खेल लेते हो तो अगले 4-5 दिन का इशू हो जाता है। बट आई थिंक इट्स हीलिंग बेटर। आई एम नॉट गोना से इट्स कम्प्लीटली बेटर, बट माय कायरोप्रैक्टर्स टोल्ड मी दैट आई विल टेक एटलीस्ट 3 months टू फुली गेट फिट। बट उनको मैं ये नहीं, ये प्लीज़ मेरे कायरोप्रैक्टर को मत दिखाना, उन्होंने मुझे मना किया खेलने से। बट या इट्स बेटर। ओके करण सर, ये फर्स्ट टाइम हुआ कि सीजन बॉल से खेल रहे हो, 15 ओवर बहुत यूनिक है, तो उसके फॉर्मेट के बारे में क्या कहेंगे? यार आई लाइक द फॉर्मेट बिकॉज आई थिंक इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट। 15 ओवर का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही अलग होता है, क्योंकि 20 ओवर के फॉर्मेट में हम हमेशा देखते हैं कि एक तो एवरी वन नाउ नोज अबाउट 2020, दूसरा आई थिंक 20 ओवर के फॉर्मेट में क्या होता है, द लास्ट 5 ओवर्स बैट्समैन लोग मौकरी बना देते हैं बॉलर की, मतलब 100 रन पड़ते हैं। वेर एल्स इन 15 ओवर मैच ना वो हो नहीं पाता है, क्योंकि 15 ओवर का ही मैच है। क्योंकि आप जब 10वें ओवर पे पहुंचते हैं ना, यू विल सडनली रियलाइज ओ शिट इट्स जस्ट 5 ओवर्स टू गो। सो आई थिंक दैट्स द ग्रेट थिंग, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ फंडा। एक और चीज़ भी है कि यू कैन टेक अ यू नो पावर प्ले इन अ डिफरेंट ओवर 8th to 10th में। सो आई थिंक ऑल दीज न्यू थिंग्स मेक द इंटायर टूर्नामेंट वेरी इवन, क्योंकि हर किसी को टाइम लगता है। जैसे जब हम टॉस के लिए जा रहे थे तो द रीज़न आई सेड आई वुड हैव ऑल्सो फील्डेड फर्स्ट वॉज बिकॉज यू डोंट नो दिस ग्राउंड। आपको विकेट नहीं पता है बॉल कैसे आ रहा है, आप खेले नहीं हो, आपको बॉलर्स नहीं पता है कौन क्या है। सो आई थिंक इट्स ऑल एंड ऑल फन एंड आई होप द बेस्ट टीम विंस। बहुत एक्साइटेड हूँ यार, आई थिंक वर्ल्ड कप इज समथिंग दैट आई थिंक वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट। व्हेन वी वर यंगर वी वर मोर एक्साइटेड, वी वुड यू नो कम बैक फ्रॉम स्कूल एंड सिट और समर वेकेशन में या पूरा दिन हम टीवी पे लगे रहते थे, वो होता नहीं अब। 50 ओवर फॉर्मेट बहुत कम अब लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि 2020 इज़ द न्यू फ्लेवर ऑफ द सीजन। सो आई गेस आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम गोना बी देयर इन लंडन, मैं मैच देखने जा रहा हूँ। तो आई थिंक आई जस्ट होप वी विन बिकॉज इंडिया पाकिस्तान 16th of June आई विल बी देयर। हाँ जी जी यार, आई थिंक डिपेंड करता है, आई थिंक आई डोंट नो, आई हैवंट सीन द मैच, मेरे को ग्राउंड पता नहीं है, बट आई थिंक ठीक है। मतलब प्रैक्टिस मैच हैं तो वो कहते हैं ना वो लॉ ऑफ एवरेजेस, वो प्रैक्टिस मैच में ख़त्म कर लो देन विन एवरीथिंग इवेंचुअली। आई ऑनेस्टली फील इफ यू प्ले गुड क्रिकेट वो ही काफ़ी है यार अपने लिए। अब मतलब ठीक है, मतलब वर्ल्ड कप आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी आता है खुदा ना खास्ता तो अच्छा खेलो, वो ही चाहिए। अब वो वाला उम्र नहीं रही कि हार गए यार ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि बाकी 9 कंट्रीज़ भी मतलब कप के लिए आई हैं, चाय पीने तो आई नहीं हो। बट ऑल द बेस्ट गाइज एंड ऑल फॉर ऑल यू फैंस, ACB इज कमिंग, इट्स गोइंग टू बी लाइव, इट्स टुडे एंड द 25th 26th देन ऑन द 1st एंड द 2nd, सो प्लीज़ वॉच इट एंड दिस इज सम रियल क्रिकेट प्ले वी प्ले एंड इट्स फन। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू।
बहुत ज़्यादा खेलने मिले तो और एक्साइटेड हो जाऊंगा, लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय बाय द ओनर्स ऑफ द टूर्नामेंट. मेरे को ऐसा लगता है कि द रियल डील इज सीजन बॉल, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज एक्टर्स टू ऑल्सो कम ऑन फील्ड एंड प्रैक्टिस एंड प्ले. टीवी पे तो करते ही हैं, पिक्चरों में तो करते ही हैं. बीसीएल नहीं है, दिस इज द रियल डील. आई थिंक बीसीएल एक स्माइली सॉफ्ट बॉल है जो काफ़ी कंपेटिटिव है एक तरीके से, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है. तो यार एक्साइटेड हूँ, लेट्स सी. मुझे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं इसके बारे में, पिछली टीम काफ़ी लेट ज्वाइन किया है मैंने, ज्वाइन करके कुछ खास किया नहीं है. बट मेरे को उतना ही पता है कि टीम अच्छी है, अब खेलेंगे कैसा तो ही पता लगेगा, बाकी तो उस पर डिपेंड करता है. वो एक अंडरस्टेटमेंट है एक्चुअली, क्योंकि सबकी फटती है सूर्य से जब बॉलिंग करने आता है. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के, बट इस सीजन बॉल से खेले हुए इतना टाइम हो गया, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ अंदर. तो इतना एग्जैजरेट नहीं करते हैं, थोड़ा अच्छा कर लूँगा तो बहुत अच्छी है, नहीं किया तो थोड़ा ग्राउंडेड रखते हैं. जी इनफैक्ट प्रैक्टिस मैच चालू हुआ है, इंडिया 81 फॉर 6 है, धोनी और जडेजा खेल रहे हैं, साउंड लाइक अ कमेंटेटर राइट नाउ, लेकिन बट दैट्स द ट्रुथ. या दैट्स द ट्रुथ, इट्स ओके, इट्स अ प्रैक्टिस मैच. यार ये पहला ही हो रहा है, तो मेरे ख्याल से पहली शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज, तो दिस इज बेसिकली गियरिंग अप फॉर द नेक्स्ट सीजन आर गोना कम. तो ये सीजन 1 है, तो आई होप धमाकेदार रहे, ताकि सीजन 2 सीजन 3 सीजन 4 जितने भी आए उससे भी ज्यादा धमाकेदार रहे. सेम यार, आई मीन डी द गाय दिलीप, जिन्होंने स्टार्ट किया है, ही इज बीन वांटिंग टू डू दिस फॉर आई थिंक एटलीस्ट 5-6 ईयर्स, जब से मैं उनको जानता हूँ, एंड फाइनली इट्स हैपनिंग. सो आई एम श्योर इट्स अ वेरी बिग डे फॉर हिम एंड ड्रीम कमिंग ट्रू फॉर हिम. विशिंग हिम लक, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू प्ले क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट इज द कॉमन लव वी ऑल हैव, एंड दैट्स अबाउट इट. ओके, लास्टली व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए, कितना एंटरटेनिंग होने वाला है? पता चलेगा धीरे धीरे, हमें ज़्यादा गारंटी नहीं है. हम तो एंटरटेन होंगे अंदर, आपको कर पाएंगे नहीं ये नहीं पता, बट डेफिनेटली प्लीज कि जोक्स अपार्ट वॉच इट. बीसीएल लेना है, दिस इज द रियल डील आउट हियर. यहां ग्राउंड में घास में घुसते ही जब घुटने चलते हैं और यू नो लेदर की वाला के लगती है यहां पे, फिर पता लगता है. एग्जैक्टली, सो थैंक यू मैच ऑफ परफॉर्मेंस. सर, सो आज पहला मैच है एसीबी का, तो कितना एक्साइटेड है? यार बहुत एक्साइटेड है हम लोग, स्पेशली ग्राउंड पे आने के बाद बहुत एक्साइटेड हो गए हैं. जिस तरह से अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिस तरह से ग्राउंड दिख रहा है, टीमें आ रही हैं, यू नो, तो एक्चुअली अब फील आ रहा है कि हां कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है, एंड अब बस वहाँ जाना है और तगड़ा कंपटीशन देना और अच्छा खेलना है. और वर्ल्ड कप आने वाला है, तो ये वर्ल्ड कप से पहले की शुरुआत है, और आज इंडिया का भी फर्स्ट प्रैक्टिस, हाँ यार फर्स्ट प्रैक्टिस मैच है, तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम. इट्स अ क्रिकेट फीवर इज ऑन, एंड इट्स अ ब्यूटीफुली सेटअप बाय डील दिलीप, और मतलब अच्छा लग रहा है कि हम सारे जो एक्टर्स हैं एक दूसरे को देख रहे हैं, हम लोग अच्छी जर्सीज के अंदर सब बड़े सबकी पर्सनैलिटी बाहर निकल के आ रही है, और वो जुनून आ रहा है, वो कॉम्पिटिटिवनेस आ रहा है कि भाई आज तो जो है आग लगा देंगे. बहुत अच्छा रहा, हम लोग एक प्रैक्टिस मैच जीते एक हारे, और उससे कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है कि आपकी टीम में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. सो वो सब कैलकुलेट करके हम लोग रेडी हैं, सामने वाली टीम के बारे में भी पता है कि वो कैसा खेलेंगे. सो ओवरऑल एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव एंड एब्सोल्युटली. आई थिंक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट है, क्योंकि वी हैड अ प्रॉपर नेट सेशंस, उसके बाद प्रैक्टिस मैचेस हुए, सो दैट यू नो वी एज अ टीम, हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या हमारा कहाँ पे हम लोग लैक कर रहे हैं, और किसके कितने हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं और ऐसे बॉलर हैं, तो हम कहीं लैक नहीं कर सकते हैं. ये देखो ये हमारे बीसीएल के ये हमारे ओपनिंग ये हमारे ऐसे ही हमें रावलपिंडी एक्सप्रेस है. सो वी हैव अ गुड सॉर्टेड टीम एक्चुअली. हमारी टीम जो है वो ऑलराउंड है, और हमारे में जोश बहुत है कि हम लोग हंसी मजाक भी करते हैं, साथ ही साथ हम लोग जो है एकदम गेम को सीरियसली लेते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम लोग बैक करते हैं कि भाई करना है करना है करना है, कोई बात नहीं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर आवर टीम, सो लेट्स सी. ओके, एसीबी के अलावा वर्ल्ड कप आ चुका है आज, जैसे कि आपने कहा क्या पहला मैच है, कितने एक्साइटेड और क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन तो वही होती है यार हर कंट्री की, और अपनी तो हमेशा रहेगी कि वर्ल्ड कप घर आना चाहिए, और इस बार हमारी टीम भी काफ़ी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो होपफुली कंपटीशन वर्ल्ड कप बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बाकी सारी टीमें भी बहुत स्ट्रांग लग रही हैं. भगवान यही करे कि वर्ल्ड कप हमारे घर में ऐसे ही एकदम से आगे चला 100%. आई थिंक इस बार जीत तो अपनी है यार, लगता है मेरे को जीत तो पक्की है, इस बार जीत होने वाली है अपनी. एसीबी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, कितना एंटरटेनिंग होने वाला है? यार दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, पहली बार की ये ऐसा कोई क्रिकेट लीग पहली बार हो रहा है, सो ऑल थैंक्स टू दिलीप. YouTube पे लाइव आने वाला है, अगर आप लोग चाहें तो एयर इंडिया ग्राउंड पे हो रहा है, आप यहाँ पे आ सकते हैं. दिस इज़ वन टाइम थिंग जो आपको देखने को आई थिंक आज के पहले तो नहीं मिली, पर आगे ज़रूर मिलेगी, जहाँ पे आपके फेवरेट स्टार
डांसर्स, एक्टर्स, हर तरह के जो एक्टर्स हैं या क्रिकेटर्स जो क्रिकेट खेलते हैं, वो यहाँ पे आपको रियल क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे, रियल क्रिकेट किट के साथ में, सीजन बॉल के साथ में, जहाँ पे चोटी लगेंगी रियल क्रिकेट, और रियल क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे। तुम भड़काओ ना तुम, ठीक है? तो आइए एंड यूट्यूब पे देखिए और जितना सपोर्ट कर सकते हैं करिए, स्पेशली चेन्नई हॉट शॉट्स को। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।